हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक सुन। अभी दोस्तों आपके पास पंजाब नेशनल बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट है। दोस्तों अगर इन बैंकों का आप एटीएम यूज़ करते हैं तो आपको किसी दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने के लिए आपको बैंक जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप एटीएम मशीन से ही ट्रांसफर कर सकते हैं। मैं ट्रांसफर प्रोसेस के बारे में बताता हूँ, इससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें जिससे मेरी नई वीडियो आपको मिलती रहे। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों मैं एटीएम मशीन में पहुँच चुका हूँ, आप देख सकते हैं। दोस्तों ये पीएनबी बैंक का एटीएम है, आप ओरिएंटल बैंक या यूनाइटेड बैंक के एटीएम से भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दोस्तों ये तीनों बैंक आपस में मर्ज हो चुका है, इसलिए आप ये तीनों बैंक के एटीएम से भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दोस्तों मशीन में कार्ड डालने के बाद हमारे सामने एक ऐसा ऑप्शन खुल के आएगा, इसमें आप देख सकते हैं नीचे में फंड ट्रांसफ़र ऑप्शन आ रहा है, हम इसको क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस इंटरफेस में आपको तीन ऑप्शन शो कर रहा है। दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन है जिसमें कार्ड नंबर डाल के हम ट्रांसफ़र करेंगे, लेकिन ये काम नहीं कर रहा। हम सेकंड ऑप्शन में आएंगे जिसमें हम अकाउंट नंबर डाल के ट्रांसफ़र करेंगे। दोस्तों सेकंड ऑप्शन क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे जिसमें हम अपना अकाउंट नंबर डाल के ट्रांसफ़र करेंगे। इसके बाद हम अपना एटीएम पिन एंटर करेंगे। पिन एंटर करने के बाद ये प्रोसेसिंग में आप देख रहे हैं शो कर रहे हैं। इसके बाद एक ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा जिसमें आप देख रहे हैं अकाउंट नंबर एंटर करने के लिए बोल रहा है। चलिए अकाउंट नंबर एंटर करते हैं। आपको जिस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है उसको यहाँ पर एंटर करेंगे। दोस्तों बैंक अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक, ओरिएंटल बैंक या यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का ही होना चाहिए। अकाउंट नंबर एंटर करने के बाद प्रोसेस पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ पे जिसका भी अकाउंट नंबर एंटर करेंगे उसका यहाँ पे नाम डिटेल पूरा शो करेगा। अगर आपको सही लगता है तो आप प्रोसेस पर क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों इस इंटरफेस में आपको जितना अमाउंट ट्रांसफ़र करना है उस अमाउंट को एंटर करेंगे। अमाउंट एंटर करने के बाद हम प्रोसेस पर क्लिक करेंगे। दोस्तों इसके साथ हमारा प्रोसेस कंप्लीट होता है, आप देख सकते हैं अंडर प्रोसेस में शो कर रहा है। दोस्तों इसके साथ हमारा ट्रांसफ़र करने का प्रोसेस कंप्लीट होता है और आप जितना भी पैसा ट्रांसफ़र करेंगे इस अकाउंट को उस अकाउंट में चला जाएगा। यहाँ पे आपको एक पर्ची आएगी, शायद इस एटीएम में पर्ची नहीं है इसलिए आप नहीं आया, आपको मैसेज के द्वारा नोटिफिकेशन जरूर आ जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।